हे गाइस, वेलकम बैक। एक बार मैं रोहित फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। मॉडर्न हिस्ट्री अपना कंप्लीट कर रहे हैं, उसके गाइस पार्ट नंबर 7 पे आज हम पहुंच चुके हैं। इसमें हम क्या करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज और जो इंडिया की मूवमेंट है उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। गोल मेज कॉन्फ्रेंस और मूवमेंट ऑफ इंडिया कोई बची थी उनको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। गाइस, हमारी वीडियो का पार्ट 7 रहेगा। तो गाइस, अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1931 में हुई है। तो गाइस, अभी तक हम डेट वाइज चल रहे हैं, जैसे हमारे डेट्स चल रही हैं उसके तहत हम अपने इसको मॉडर्न डे को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो गाइस, ये पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, जो ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में, जहाँ पे इन दोनों को इक्वल देखा गया था, ठीक है। पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी इनके बीच में, हुई कब थी ये, 12 नवंबर 1930 में लंदन में हुई थी। इसमें साइमन कमीशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया था। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। जो कॉन्फ्रेंस थी ये बिल्कुल फेल हो गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था, उनकी यहाँ पर एब्सेंस थी, वो यहाँ पर नहीं गए थे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, गांधी इरविन के बीच में एक पैक्ट होता है, इनके बीच एक संधि होती है 1931 में। तो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड बाई लॉर्ड इरविन, तो गवर्नमेंट को लॉर्ड इरविन रिप्रेजेंट करते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस को गांधी जी यहाँ पर लीड करते हैं, एक पैक्ट यहाँ पर साइन करते हैं 5 मार्च 1931 को। इसमें क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉल्ड ऑफ, यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो, इसको कहा जाता है कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के यहाँ पे क्या करो, ऑफ करो इसको, और यहाँ पे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए राजी हो जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, अलाउ करती है जितने भी विलेजर होते हैं कोस्ट टू मेक साल्ट, वो बोलते हैं कि जितने भी लोग जो हैं, जितने भी गाँव हैं जो कोस्ट के किनारे रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो साल्ट वहाँ पर बना सकते हैं फॉर कंजम्पशन, अपने कंज्यूम के लिए। और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर जो हैं उनको यहाँ पर रिलीज कर दिया जाता है। इसके बाद कराची सेशन होता है 1931 का, ठीक है, कांग्रेस का, एंडोर्स द गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है, वो गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स करती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है गाइज, जब इनको मना दिया जाता है तो गाइज यहाँ पे क्या होता है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो पहुँच जाते हैं, गांधी जी भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होता है रामसे मैकडोनाल्ड, ठीक है, उसके साथ जाके वहाँ पर मिलते हैं। तो इस ये भी कॉन्फ्रेंस भी तकरीबन फेल ही रहती है, क्योंकि गांधी जो है वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे उस वक्त रामसे मैकडोनाल्ड थे, उसकी बात से सहमत नहीं हुए, उसकी पॉलिसीज पे, जो उनकी पॉलिसीज थी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की, वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन डिमांड फॉर फ्रीडम, क्योंकि इंडिया जो है यहाँ पे आज़ादी के लिए डिमांड कर रही थी, तो वो सब चीज़ें वो ब्रिटिश नहीं मान रहे थे, इसलिए ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर फेल हो जाती है। इसके बाद रामसे मैकडोनाल्ड जो हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के, तो वो 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड यहाँ पे अनाउंस कर देते हैं। इससे बराबर दिखता है कि अब उन्होंने यहाँ पे एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है ब्रिटिश ने यहाँ पे शुरू कर दी थी, ठीक है। इनकी कम्युनल अवार्ड में इन्होंने क्या किया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे दी, ठीक है, अपनी अपनी जाति के अपने जाति को वोट देंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, सिक्स एंड मुस्लिम को अलग अलग इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी। तो गांधी जी ने क्या किया, इसको बिल्कुल क्या किया, इन्होंने इसको अपोज किया और इन्होंने क्या किया, अनशन पर बैठ गए, यानी कि भूख हड़ताल पर बैठ गए, कहाँ पे, यरवाडा जेल में, ठीक है, ये यरवाडा जेल में थे, वहाँ पर इन्होंने क्या किया, अनशन पर बैठ गए, कहते जब तक ये सब चीज़ें ठीक नहीं होंगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है गाइज। तो चलते हैं आगे, थोड़ा सा देखते हैं पूना पैक्ट के बारे में, पूना पैक्ट में होता क्या है, गांधी अम्बेडकर पैक्ट भी से कहा जाता है, 25 सितंबर 1932 में यह होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक आइडिया जो होता है सेपरेट इलेक्टोरेट का डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, उसको छोड़ दिया, उसको मतलब अबैंडन, उसको अलग के रखा जाता है, लेकिन कुछ सीट्स जो है यहाँ पे उनके लिए रिजर्व रखी जाती हैं, कहाँ पे, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वेर इंक्रीज, जो उनके लिए सीटें रिजर्व रखी जाती हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, इसको इंक्रीज करा जाता है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे अम्बेडकर जी हैं, ये भी जो हैं ये SC कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ठीक है, इसलिए ये भी चाहते थे कि क्या मिले ज़्यादा से ज़्यादा उनको, जो यहाँ पिछड़े हुए लोग हैं उनको क्या मिले, रिजर्वेशन मिले, ताकि वो अपने आप को सोशली जो है अपने आप को क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। तो इसलिए पूना पैक्ट जो एग्रीड अपाना, यहाँ पे जॉइंट इलेक्टोरेट फॉर अपर एंड लोअर कास्ट, यहाँ पे अपर एंड लोअर कास्ट का जॉइंट इलेक्टोरेट भी यहाँ पर उसको, उसके ऊपर भी यहाँ पर सहमति जताई गई, ठीक है। इसके बाद होता क्या है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1932 में, इस ये भी फ्रूटलेस यहाँ पे प्रूव्ड होती है,
ठीक है, क्योंकि इस वक्त भी क्या था, बहुत सारे नेशनल लीडर्स जो थे वो कैद में थे, ठीक है, उनको जेल में डाला हुआ था। और यहाँ पे पाकिस्तान के लिए एक डिमांड की गई, हमें पाकिस्तान चाहिए। 1930 में होता क्या है, इकबाल जो हैं सजेस्ट करते हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस जो हैं, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस और कश्मीर जो हैं, उसको मुस्लिम स्टेट बना दिया जाना चाहिए विद इन द फेडरेशन, फेडरेशन के अंदर ही उसको मुस्लिम स्टेट्स बना दिया जाना चाहिए, ये इकबाल ने कहा। इसके बाद चौधरी रहमत अली, अब पाकिस्तान के टर्म किसने यहाँ पर कॉइन की, किसने यहाँ पर बताया कि पाकिस्तान बनना चाहिए, तो चौधरी रहमत अली करके उनका नाम है, 1933 में उन्होंने ये कहा। तो मुस्लिम लीग ने पहला यहाँ पे एक प्रपोजल यहाँ पर लाया, वो पास किया कि उन्हें एक सेपरेट अपना लाहौर सेक्शन जब हुआ 1940 में, ठीक है, उन्होंने कहा कि हमें अब अपना सेपरेट पाकिस्तान चाहिए, अब हमें अपना अलग पाकिस्तान चाहिए। तो इसको जिन्ना की टू नेशन थ्योरी भी कहा जाता है, एक नेशन इंडिया, एक नेशन पाकिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पे सिकंदर हयात खान ने इसको ड्राफ्ट किया, इसको यहाँ पर लाया गया, कहाँ पे, फजल उल हक ने इसको यहाँ पे काउंसिल में लाया, ठीक है, और सेकेंडेड बाई खालिक उजम्मा, ठीक है, खालिक उजम्मा ने इसको आगे रखा, आगे लोगों के सामने पेश किया, ठीक है। दिसंबर 1943 में होता है क्या है, कराची सेक्शन जो होता है मुस्लिम लीग का, वहाँ पे वो एक स्लोगन जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं मुस्लिम लीग के, डिवाइड एंड क्विट, डिवाइड करो उसके बाद छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पर क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती है उसका एक इरादा होता है, एक वो इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि अब हमें इंडियन का कोऑपरेशन करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उस वक्त इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर सेंट सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सेकंड वर्ल्ड वॉर में यहाँ पे स्टैफोर्ड क्रिप्स को, देखो गाइस क्या होता है कि 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है शुरू हो जाता है, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में ही वो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को यहाँ पर भेजते हैं, कहते हैं कि हमको सेटलमेंट करना चाहते हैं इंडियन लीडर के साथ। वो यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस यहाँ पे क्रिप्स आकर ऑफर करते हैं, ठीक है, कहते हैं कि जैसे ही ये वार ख़त्म होगी उसके बाद हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, लेकिन कांग्रेस इसको रिजेक्ट कर देती है। तो गांधी जी जो है इसको क्या बोलते हैं, ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक, ठीक है। क्रिप्स मिशन का जो यहाँ पर क्रिप्स मिशन था, ठीक है, जो यहाँ पर आए थे, तो गांधी जी ने इसको कहा कि एक पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है, ये पोस्ट डेटेड चेक है ऑन ए क्रैशिंग बैंक, उस बैंक का जो बैंक क्रैश हो चुका है उसका ये एक पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है। तो गाइस ये किसने कहा, गांधी जी ने कहा, किसके लिए कहा, जो ये क्रिप्स मिशन यहाँ पर आया था, ठीक है। इसके बाद गाइस रिवॉल्ट ऑफ 1942 एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, अब ये होता क्या इसके बारे में जानते हैं। इसको वारदा प्रपोजल भी कहा जाता है, लीडरलेस रिवॉल्ट, यहाँ पे कोई भी लीडर होते ही नहीं है, ठीक है। रेजोल्यूशन यहाँ पे 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में पास करा जाता है। गांधी जी यहाँ पे स्लोगन देते हैं डू आर डाई, याद रखना कि डू आर डाई का स्लोगन किसने दिया, करो, गांधी जी ने बोला करो या मरो यार, बस ये अब आपका टाइम है, करने का टाइम आ गया है। तो 1 अगस्त को क्या होता है कि कांग्रेस को बैन कर दिया जाता है और उसके इम्पोर्टेंट लीडर को अरेस्ट कर दिया जाता है, गांधी को एट द आगा खान प्लेस, तो गांधी को जो आगा खान का पैलेस होता है पूना में, वहाँ पे रखा जाता है। तो लोग बहुत भड़क जाते हैं, लोग वायलेंट हो जाते हैं, तो इस मूवमेंट को गवर्नमेंट लेकिन किसी ना कुछ करके यहाँ पर क्रश कर देती है, मूवमेंट यहाँ पे ख़त्म कर देती है, ठीक है। इसके बाद गाइज इंडियन नेशनल आर्मी यहाँ पर उभर कर आती है, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जो है बर्लिन चले जाते हैं 1941 में, और वहाँ पर इंडियन लीग क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो जुलाई 1943 में क्या होता है, वो एक इंटरनेशनल आर्मी को वहाँ पे सिंगापुर में ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो राज बिहारी बोस हैंडेड ओवर लीडरशिप टू हिम, तो राज बिहारी बोस जो है लीडरशिप उसको सौंप देता है, किसको, सुभाष चंद्र बोस को। इंटरनेशनल कांग्रेस ये आर्मी के 3 फाइटिंग ब्रिगेड्स थे, नेम्ड आफ्टर गांधी, आज़ाद एंड नेहरू, जिनका नाम किसके उसका था, गांधी, आज़ाद और नेहरू, 3 फाइटिंग ब्रिगेड्स इंटरनेशनल आर्मी के, रानी ऑफ झांसी। तो गाइस ये भी कहा जाता है कि इंटरनेशनल आर्मी को रमेश करके एक नाम था, जिन्होंने क्या किया, इसको इंटरनेशनल आर्मी को फाउंड किया था, रानी ऑफ झांसी जो ब्रिगेड था, एक एक्सक्लूसिव वुमेन फोर्स थी इंटरनेशनल आर्मी का। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, रंगून, और सिंगापुर में इसका क्या था, हेडक्वार्टर था, ठीक है।
तो गाइज यहाँ पे ये मूवमेंट्स भी खत्म हो जाती हैं और हमारा राउंड टेबल भी खत्म हो जाती हैं। तो गाइज पहले राउंड टेबल में इंडियन कांग्रेस ने ज्वाइन नहीं किया था, सेकंड में किया था। सेकंड में क्यों किया था? क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, तो जब यहाँ पर कहा गया था कि हम आपके जितने भी सोल्जर उनको छोड़ देंगे। इसके बाद गाइज थर्ड में भी इंडियंस वहाँ पर नहीं गए, वो भी फ्रूटलेस ही निकली, ठीक है। उसके बाद गई जो हमने पढ़ा यहाँ पे उन मोमेंट्स के बारे में, क्रिप्स मिशन यहाँ पर आए इस तरह से कहा। तो गाइज यहाँ पर ये सेकंड पार्ट इसका आज ये भी खत्म हो जाता है। तो वैसे कहते हैं हमारे यहाँ पर 7 पार्ट जो है मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाते हैं। तो गाइज अब बचते हैं आपके 3 पार्ट्स, वो 3 पार्ट्स भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। तो गाइज तब तक अगले वाले पार्ट में फिर से आपको मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।